तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग रेडमी नोट 5 प्रो और रेडमी नोट 5 को बुक करने के लिए बहुत आफत करते होंगे, लेकिन आप सभी का बुक नहीं होता होगा और आउट ऑफ स्टॉक हो जाता होगा। तो दोस्तों उसी के लिए ये सोल्यूशन लेके आया हूँ। एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि आपके अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कर सकते हैं, उसको कोई डेस्कटॉप की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों उसको कैसे करना वो बता देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ के लाया हूँ जिसमें आप अपने जितनी भी डिटेल्स है उस सभी को भर दीजिए, यानी आप गूगल से साइन अप कर लीजिए, MI.com को लॉगिन कर लीजिए, फ्लिपकार्ट को लॉगिन कर दीजिए और सभी डिटेल्स भर दीजिए। और वो क्या करेगी ऐप, आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको ऑटोमेटिक बुक कर देगी और आपको सिर्फ पेमेंट के पेज पे ले जाएगी। आपको सिर्फ पेमेंट करनी होगी और आपका जो फ़ोन है वो बुक हो जाएगा ऑटोमेटिक। यानी आप क्लिक करेंगे, आपको कोई डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, ना एड्रेस ना कुछ भी, सीधे आपको पेमेंट करना, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी उस सभी को फिल कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं उस ऐप की तरफ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपन मेरे मोबाइल की तरफ और आपको अब मैं दिखाने जा रहा हूँ वो आखिर कौन सी ऐप है। तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना है और ऑटो कार्ट नाम की एक ऐप को डाउनलोड करना है। तो वैसे तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। ऑटो कार्ट को आप जैसे ही ओपन करेंगे इसके बाद में कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेरेंस आएगा। अब यहाँ से आपको जो भी मोबाइल फ़ोन है उसको चूज़ करना है। अभी मुझे ना तो रेडमी Y1 लेना है, 4A, अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं रेडमी नोट 5 प्रो की, तो हम उसी की बात करेंगे। तो ये देख लीजिए रेडमी नोट 5 प्रो लिखा हुआ है, वेडनेसडे को 12 बजे इसकी सेल लगेगी। इसकी सेल के लिए आपको पहले यहाँ क्लिक करना होगा उसके नाम के ऊपर, इसके बाद में ये जो है आपको फ्लिपकार्ट या MI.com पे ट्रांसफ़र कर देगी। तो देखिए अभी ये ऐसा बता रहा है। अब आपको क्या करना है, अपनी जो फ्लिपकार्ट की आईडी है वो यहाँ पर लॉगिन कर देनी है। अभी मैं करता हूँ आपको मेरी आईडी को लॉगिन और आपको वापस मिलता हूँ। तो दोस्तों आप सभी को फिर से मैं एक और बार आपको बता देता हूँ, कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने ऐप में अभी पढ़े हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि पहले जो है आपको अपनी जो आईडी को है वो लॉगिन कर लीजिए। सबसे पहले आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यह लिखा है एक्टिवेट द स्विच बाय क्लिकिंग ऑन द प्रोडक्ट यू वॉन्ट टू बुक। यानी आपको जो जैसे कल है सेल, यानी आज ही मानते हैं, अगर आज सेल है तो आपको सेल से सेल वाले दिन ही अपना जो है ये स्विच कौन सा है, ये जो आपको दिख रहे हैं सभी के आगे, ये इनको ऑन करना है जिस दिन सेल है उस दिन। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि 10 मिनट पहले आपको सेल के पहले 10 मिनट आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो है आपने फ्लिपकार्ट पे लॉगिन कर लिया। मैंने तो ऑलरेडी इस ऐप में अभी लॉगिन कर लिया है, तो आपको 10 मिनट पहले एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप लॉगिन है या नहीं है, ये चेक कर लीजिए। फिर सेल के 3 मिनट पहले आपको एक और नोटिफिकेशन आएगा कि इस पे क्लिक करें, वो जो आप जैसे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक आपको प्रोडक्ट के पेज पे ले जाएगा। फिर आपको वहाँ पूछा जाएगा कि कौन सा वेरिएंट चाहिए और कौन सा कलर चाहिए, आप सिलेक्ट कर लीजिए और बैठ जाइए बिल्कुल शांति से। जैसे ही सेल चालू होगी वो ऑटोमेटिक जो है आपका प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेगा और पेमेंट पेज पे आपको ला के छोड़ देगा। आप पेमेंट पेज पे अपने जो पेमेंट है वो या तो फ़ोन पे रजिस्टर कर लीजिए, सीधा OTP आएगा और पेमेंट हो गई और आपका प्रोडक्ट जो है बुक हो जाएगा। तो जैसे अगर आपको अगर लॉगिन करना है तो कैसे करेंगे, तो आप जो भी प्रोडक्ट है उसके नाम के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट के ऊपर आ जाएंगे। आपको अभी कुछ नहीं करना, आपको मैंने जो बताया कि आपको सबसे पहले जो है ये स्विच ऑन करना है जिस दिन सेल है उस दिन, 10 मिनट पहले एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप चेक कर लीजिए कि आपकी जो आईडी वो लॉगिन है या नहीं है। फिर 3 मिनट पहले और आएगा कि आप प्रोडक्ट जो है चूज़ कर लीजिए, वो आएगा। और 3 मिनट होने के बाद में पहले आपने प्रोडक्ट चूज़ किया, इसके बाद में सीधा आपको पेमेंट करनी है, कार्ट में ऐड हो जाएगा प्रोडक्ट और आपका जो प्रोडक्ट है बुक हो जाएगा। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों बस यही था आज के वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।